अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू काशिफ ग्राफिक्स ट्यूटोरियल। ये फ्रेंड्स हमारे पास है मुख्तलिफ कलर दिए हुए हैं। ये हमारे पास कलर है, ये टाइटल बार है, ये मेन्यू बार है और ये प्रॉपर्टी बार है। और ये हमारे पास मुख्तलिफ टूल दिए हुए हैं जिसकी मदद से हम डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। अब सबसे पहले है, अच्छा तो फ्रेंड्स पहले ये जो मेन्यू बार है ये मैं आपको साथ साथ हर वीडियो में बताता रहा करूँगा, ठीक हो गया। अब चलते हैं टूल बार पे। सबसे पहला जो टूल हमारे पास है वो फ्रेंड्स हमारे पास जो टूल है वो है पिक टूल। पिक टूल किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो असल टूल है वो है शेप टूल, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। शेप टूल ये एक मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया, ये मैंने इसे किया कर्व। अगर आप कीबोर्ड से करना चाहें तो आप कंट्रोल प्लस क्यू भी कर सकते हैं। ये शेप टूल पे क्लिक किया और ये मैंने एक दफ़ा क्लिक किया कन्वर्ट टू कर्व। ये देखें इस तरह आप कोई भी शेप दे सकते हैं और ये कोई भी कलर आप इसमें फिल कर सकते हैं इस तरह। ये देखिए ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब मैं चाहता हूँ कि ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, ये वाली लाइन, तो मैं इन दोनों को करूँगा सिलेक्ट और यहाँ पे कर दूँगा कन्वर्ट टू लाइन। ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब फ़र्ज़ करें कि ये मैंने एक लाइन पे कर्व किया, यह अब मैंने इस लाइन पे एक मैंने डबल क्लिक किया, तो अब मैं करता हूँ सिमेट्रिकल नोड पे क्लिक। इसके साथ क्या होता है ये देखें, बिल्कुल बराबर ये इस तरह वर्क कर रहा है, बिल्कुल बराबर। ये देखिए बिल्कुल बराबर वर्क कर रहा है इस तरह। अगर मैं स्मूथ नोड पे क्लिक करता हूँ ये देखिए ये बराबर काम नहीं कर रहा, ये देखिए ये देखिए। जो सिमेट्रिकल नोड है ना वो करता है बिल्कुल प्रॉपर काम, ये देखिए। और ये है स्मूथ, स्मूथ पे सिर्फ ये देख। और अगर मैं करूँ कश नूड पे क्लिक तो इसके साथ ये सिर्फ एक साइड इसकी काम करेगी, एक साइड सिर्फ, ये देख एक साइड काम कर, ये देख सिर्फ एक साइड। तो ये फ्रेंड्स इसकी सिर्फ एक ही साइड का ही काम करती है, ये देखें इस तरह। उम्मीद है कि आपको ये तीनों टूल समझ आ गए होंगे। अब मैं इसे करता हूँ, इस नोड को मैं चाहता हूँ कि डिलीट हो जाए, इसे करेंगे सिलेक्ट और इस पे कर देंगे डिलीट नोड, ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये लाइन हो जाए, इस पे कर देंगे कन्वर्ट टू लाइन,
अब मैं चाहता हूँ कि ये वाली लाइन अलग हो जाए इस डब्बे से। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर यह अब इसके साथ जुड़ी हुई है, तो इसे अलग करने के लिए एक्सट्रैक्ट, ये अब इससे अलग हो गई है। ये देखें ये बिल्कुल इससे अलग हो गई। अब यहाँ पर जाएंगे शेप टूल पे। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक लाइन लग जाए, इन दोनों का करेंगे सिलेक्ट और सॉरी इसे करेंगे डिलीट। ये बनाएंगे बॉक्स, ये क्या कर, ये इसे किया अलग। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर लाइन लग जाए, इन दोनों को करेंगे सिलेक्ट, तो ये कर देंगे एक्सटेंड टू कर्व जो क्लोज, ये इस तरह लाइन लग। अब करेंगे कंट्रोल जेड, ये मैं वापस गया और इसके साथ एक्सटेंड एक्सट्रैक्ट से अगर ला जो क्लोज कर, ये भी यही काम करता है, ये भी इस जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसके साथ लाइन लगा दें इस तरह। ठीक हो गया फ्रेंड। और ये है रिवर्स टू डायरेक्शन। अब फर्ज करें ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये देखें ये इस तरह। मैं आपको इसको डिलीट करते हैं, एक लाइन लगाते हैं, ये फर्ज करें ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ये देखें पॉइंट ए उधर चला गया, पॉइंट बी इधर आ गया, ये देखें इस। इसको करते हैं डिलीट, नया बॉक्स। अब अगला जो टूल हमारे पास है वो है स्केच स्केल नोट्स। ये देख ये सिलेक्ट किया और ये इस तरह कोई भी शेप बनाने के लिए इस तरह। ये देख अब है रोटेट, इसके साथ हम इस तरह से रोटेट कर सकते हैं, ये इस तरह। ये देख ये इस तरह। अब अगला जो टूल हमारे पास है, इससे पहले रिफ्लेक्ट मोड को देखते हैं। ये देखें ये जो हरकत करता है वो हॉरिजॉन्टली, ये देखें हॉरिजॉन्टली, वर्टिकल ये काम नहीं करता है। देखें ये हॉरिजॉन्टली काम करता है। अब मैं इसको कर दूंगा ऑफ और इसे करूंगा ऑन। अब ये देखना वर्टिकली काम कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सिर्फ मूव कर रहा है, इस तरह हरकत नहीं कर रहा। अब है इलास्टिक मोड, सॉरी इसे किया ऑफ और ये किया ऑन।
अगर मैं इधर से इसको पकड़ता हूँ तो वो पॉइंट, अगर मैं इधर से पकड़ता हूँ तो ये पॉइंट, ये देखें। और अगर मैं साथ ये भी ऑन कर दूँ तो अब देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, इससे आप काम कर सकते हैं। अब ये देखिए हॉरिजॉन्टली ये क्लिक करेंगे, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। अब इस नोड को डिलीट करते हैं, अब इसी को कर देते हैं वर्टिकल, ये वर्टिकल ही हो गया। इस तरह इसके जगह सिलेक्ट ऑल नोड हो जाते हैं, ये देखिए सिलेक्ट ऑल नोड जितने इसके साथ रिड्यूस हो जाते हैं। ये थी आज की क्लास, उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब टूल समझ आ गए होंगे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।